जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। आज हम अवधि बोलब और अवधि ई मारे बोलब क्योंकि हम गांजर मैया महमूदाबाद जहां जिला बनाए की कोशिश की जाती है, कई बार गुहार लगाई जाते हैं जिम्मेदारंत ने, तो ऐसे में यहाँ अगर रात में यहाँ बिजली बार बार कटी जाए, ट्रिप हो जाए और लो वोल्टेज आवे तो आखिर कैसे बनी है यू जनपद। अब यहाँ लोग बताई है, यहाँ जनता बताई है कि लाइट की समस्याओं की कदर झेल रहे हैं, झेलू रहे कि नहीं झेल रहे, जिंदगी बदहाल है या जिंदगी खुशहाल है। तो हम आज सारी बातें करें अहमदाबाद की जनता से, तो बने रहो खाली खाली आ इंडिया पर। बिजली भैया बहुत कट रही है और अभी बड़ी समस्या यहाँ खराब है। पहले तो हमारे यहाँ आना जाना लगाना बटन रात में 9 के बाद काम खत्म, लाइट चली जा रही, आवाज है चली जा, कट जा रहे, फिर कट जा फिर आवाज। भैया हम खड़े हन कोतवाली रोड और कोतवाली रोडो का हाल चाल जान ली, ये है वकील साहब और लोग बैठे हैं। तो वकील साहब यू बताओ का हाल है बिजली के, हर 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 झरझर झरझर आ रही कि नहीं? देखिए मौसम के हिसाब से बिजली की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है और योगी की सरकार में बिजली व्यवस्था जो है अन्य सरकारों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रही है। हाँ वो बात अलग की है, लोगों ने बिजली की खपत ज्यादा करना चालू कर दिया है और बिजली व्यवस्था से मैं संतुष्ट है। तो जान नहीं पाओ तो बिजली कब कटी कब? मेरा जहां तक का प्रश्न है कि हम अंडरग्राउंड लाइट है, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा महमूदाबाद में लाइट बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दादा आप बताओ लाइट बढ़िया आ रही? बढ़िया, कटौती बहुत हो रही, बहुत हो। अरे भैया कहीं ना कि नहीं होते? बहुत हो रहे, शाम को भैया इन्वर्टर में कोई इन्वर्टर लगा है उनके, इन्वर्टर लगे होगा पूरा दिन पत्ता काटत रहा है, चेंज जोन भरी है पूरे यहाँ देहात में, तो देहात में ज्यादा दिक्कत आ रही है। देहात में 10 मिनट पर काट रहा है शाम के यहाँ, तो भैया देहात तुम तो 10-10 मिनट लाइट काटते हो, ऐसा जानी पाए लगावत हटावत तुरंत शाम का, तुरंत लगावत है तुरंत हटावत ही है। तो यू रहा है हाल महमूदाबाद के बिजली के, बने रहो हमारे साथ इंडिया पर। यहाँ बिजली बहुत कट रही है रात में यहाँ, और एक समय रहा है कि अहमदाबाद कहा जाता है जिला बनी, तो जिला बनाए वाला वो गांजर वाय की ना है और बिजली कट रही की ना, क्या समस्या हो रही है? बिजली भैया बहुत कट रही है और अभी बड़ी समस्या है खराब है, मिनट मिनट बिजली कट रहे, 3-4 घंटे बिजली कट रहे, ये वाला मविष्या कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बिजली भैया लाइट बहुत कट रहे, बहुत परेशानी जी, कहा गए? गर्मी है, सब बच्चे परेशान हो रहे हैं लेकिन लाइट वाले जो हैं काटते रहते हैं। गर्मी हो रही है अधिक, आप बताइए कल बच्चे को मेरी डायरिया हो गई बस गर्मी की वजह से, एक पंखे की भी सुविधा हमारे बच्चे को नहीं मिल पा रही। गांव ऐसा है, कौन सी गांव, कौन से गांव रहती हो? यही मालसराय। मालसराय, मालसराय वार्ड लगता है और मालसराय में जो है आप, मालसराय जो है गाँव है और मालसराय में आप देखो कि मालसराय की एक महिला कितना बता रही है क्योंकि बच्चे स्वयं नहीं पावत है, तो बिजली की यू आलम है। तो खैर कोई बात नहीं, और लोगों से बात के लिए बिजली आ रही बढ़िया? बिजली नहीं आ रही अच्छी, बहुत अच्छी आ रही उसने। हाँ कह रहे हैं कि जो है लोड ज्यादा है और लोड ये पता नहीं समझ में आता कि रात में तो दुकानें बंद हो जाती हैं तो वो लोड कम हो जाता है, रात में दिक्कत करता दिन में करता नहीं, ये समस्या है। अच्छा रात में दिक्कत करे थे, दिन में दिक्कत नहीं करे थे, बिजली व्यवस्था हाल महमूदाबाद बता रहे हैं हम।
और लोगों से पूछो ये भैया दुकानदार है, नहीं पूछो बिजली बढ़िया आ रही नहीं आ रही। यार ये बड़े भाई गर्मी में मौज आ रही। हाँ मौज आ रही बड़े भाई, मौज आ रही इनका तो भैया फुल मौज आ रही। इनका कहना है कि बिजली बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है, इनका मौज फुल आ रही। तभी जो है बरसात में बनियानी पहने हैं, कोई बात नहीं। आगे हम लोगों से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बिजली बढ़िया आ रही? पहले तो हमारे आना जाना लगाना बटन रात में 9 के बाद काम खत्म। तो कहा तो बिजली व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। जो साले पता है उनको पता होगा रात में आती जाती क्यों है। तो भैया लाइट इनके हिसाब से बहुत ही खतरनाक है, हम आगे क्यों ना बोले और इन्हीं बात करें भैया से रहे। बिजली आ रही कुछ नहीं आ रही, आही नहीं आ रही। हाँ हर चक्कर लाइट रात शाम का कटा थे रात में ऐसे नहीं है। तो बिजली है तो बिजली कटबे करी, तो इसका निर्णय कुछ होना चाहिए। का चाहे तो का निर्णय हो, बिजली लगातार आवे। अरे काटना हो तो आपका एक आधा एक घंटा काट दे, उसके बाद उधर है। मैं रात में 7-8 तक काटने के बाद जाता आवत जाता आवत ये लाइट है देना। अब बिल दे तो काहे नहीं बिल दिया जाता है, बिल दे तो बिल काहे नहीं दिया जाता। यू तो चाहते हो कि बिजली मन किया हुआ, बिजली मन किया हुआ, बिजली मन किया हुआ थे। हाँ नहीं नहीं आई रही, नहीं रही। समस्या क्या हो रही रात में? लाइट जा चली जा रही आवत है, चली जा कट जा रहे, फिर आवत फिर कट जा फिर आवत है, फिर आवत है फिर कट जात, फिर आवत है फिर कट जात, फिर आवत है फिर कट जात। भैया बताए ना मैं कह रहे हैं और लोगों से बात करे और जाने प्रयास करे कि लाइट बढ़िया आ रही। लाइट वाइट आ रही बढ़िया? लाइट वाइट भैया नहीं आ रही। रात में 10 बार मान लो करो काटा थे लाइट, लाइट तो मान लो देखता ही नहीं, मान लो ऐसा ना हो लाइट। तो भैया ये बता दिन की लाइट वाइट आ नहीं रही है, बड़ी समस्या है। कहाँ रहते हो भैया? रहते नहीं हो, कहूँ नहीं रहा तो कहूँ नहीं रहा थे, इनको एक आवाज मिलना चाहिए। आगे चली थे और बात करी थे लोगों ने कि जो लाइट है जो कट रही है तो उसे लोग खुश है या दुखी है, का बोलत है? ए भैया बिजली आ रही बढ़िया? बिजली बढ़िया आ रही, सुविधा मिल रही बिजली? कहाँ मतलब जानना है बताओ, मतलब बिजली बढ़िया आ रही कि नहीं आ रही? बिजली बढ़िया कहाँ आ रही, नहीं आ रही, क्या समस्या हो रही? बिजली कट बहुत रही है भाई, बहुत कट रही है। रात में वोल्टेज की कुछ दिक्कत आ रही है? वोल्टेज की तो ऐसे ही भैया उनका कोई समस्या नहीं लगा, स्टेबिलाईजर लगा हो? नहीं लगा। खैर इनका इनके हिसाब से नहीं, बिजली कट रही है, समस्या हो रही है, लेकिन लो वोल्टेज एवं समस्या जो निकल कर आ रही है वो उनके मोहल्ले में शायद नहीं है। तो ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रयास रहा है हम लोगों के अवधि में यहाँ अपनी मातृभाषा में यहाँ बोले। चलो ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने देखा इंडिया पर हमने अहमदाबाद के लोगों से बात की, जो सीतापुर के जो तहसील है जो एक मिनी मुख्यालय सीतापुर का माना जाता है वहां पर बिजली को लेकर के लोग काफी समस्या में है, उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी है। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पर। मैं तो शुक्रिया, नमस्कार।